दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की चटनी, वो भी एक बहुत ही अलग अंदाज में। मूंगफली की चटनी बहुत सारी कुजींस के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ली है एक कढ़ाई और गैस ऑन कर लिया है। कढ़ाई के गर्म होने का वेट कर रही हूँ। तब तक आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर लिया है करीब एक कप पीनट यानी कि मूंगफली के दाने, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद उसका छिलका उतार के रख लिया है। तो दोस्तों कढ़ाई में अब मैं ऐड करने जा रही हूँ करीब एक चम्मच सरसों का तेल। ध्यान रखें आपको सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे आपको देशी घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, बाकी सामग्री के भी देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है करीब हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज। तो दोस्तों तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो हरी मिर्चें। हरी मिर्च को थोड़ा सा चटकने का वेट कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है छिली हुई लहसुन की कलियां, मैंने करीब 5 से 7 लहसुन की कली ली है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिंजर और प्याज भी, साथ ही साथ मैंने धनिया भी लिया है। दोस्तों धनिए की पत्तियां ली हैं, उनको इसमें अभी ऐड नहीं करना है। इस सारी सामग्री को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे हल्का सा सौते करना है। ध्यान रखें वेजिटेबल्स का क्रंच मेंटेन रखना है आपको, वेजिटेबल्स की ओवर कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने थोड़ा सा चिली और ऐड कर दिया है क्योंकि मैं चाहती थी कि चटनी थोड़ी सी तीखी बने। तो सारी वेजिटेबल्स को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते जाएंगे। दोस्तों यदि आपको कोकोनट का टेस्ट चाहिए तो आप इसमें कोकोनट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें जो पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली चटनी है इसमें कोकोनट का इस्तेमाल इस विधि में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी हमने सामग्री ली है उसका कलर होने लग गया है थोड़ा सा चेंज, यानी कि वो गोल्डन ब्राउन होने लग गया है, और जो हमारी प्याज है वो हल्के से ट्रांसपेरेंट होने लग गए हैं। तो बस इस स्टेज पे हमें सारी चीज़ों को एक बार फिर से चला लेना है और इन सारी चीज़ों को एक मिक्सी के जार में प्लेस कर लेना है। हमने इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में निकाल लिया है। दोस्तों इसके ठंडा होने का हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मिक्सी के जार में डालने के बाद मैंने ठंडा होने का थोड़ा वेट किया सो दैट ये ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं मूंगफली के दाने जो हमने पहले से रेडी किए थे। अब इसमें मैंने ऐड कर लिए धनिया की पत्तियाँ। धनिया की पत्तियां ऐड करने के बाद मैंने इस जार में कर लिया है ग्राइंड। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी चटनी बन गई। दोस्तों ध्यान रखें आपको इसमें करी पत्ते का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ करीब एक नींबू का जूस, जिसे मैंने निकाल के रखा हुआ था। नींबू का जूस ऐड करने के बाद मैंने सारी सामग्री को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। ध्यान रखें यदि आप चाहते हैं नमक चटनी पीसने के दौरान ऐड करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप चटनी बनने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी।